हेलो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं जी, शदीद वाली, सो उसमें हमने जर्सियाँ भी यूज़ करनी होती हैं, स्वेट शर्ट्स भी, हुडीज़ भी। लेकिन हम मदर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जी कबर्ड में किस तरह से उनको अरेंज करें कि हमारी कबर्ड क्लटर्स ना हो जाए और स्पेशियस हो हमारी कबर्ड। उसका सिंपल सा है कि हमें उसकी फोल्डिंग इस तरह से करके रखनी चाहिए कि जी हमारी जो इस तरह से स्टोरेज बॉक्सेस भी हैं वो भी स्पेशियस हो जाएं, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चीज़ें आ जाएं और हमारी कबर्ड भी बड़ी ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत से लगे। सो नाउ लेट्स बज इनटू द वीडियो और मैं आपसे आज सारी इन डिफरेंट आइटम्स की, डिफरेंट क्लोथ्स की फोल्डिंग शेयर करूँगी। सबसे पहले जी राउंड नेक कर लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है। बिगिनिंग में आपको मे बी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वेन यू आर यूज टू इट, थोड़े से टाइम में फोल्डिंग वही सेम प्रोसीजर होगा जो हम आम रूटीन में करते हैं, उसको करते हुए एक नाइस ऑर्गेनाइज और बहुत ब्यूटिफुली चीज़ें हमारी फोल्ड होके हमारी कबर्ड में अरेंज हो जाएंगी। ये देखें, ये ब्यूटिफुल सी नेक शर्ट हमारी हो गई। अब जी बारी आती है लॉन्ग फ्रॉक की। लॉन्ग फ्रॉक्स बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से घर में, तो फ्रॉक्स होंगे, चाहे मदर्स भी पहने, मैं खुद भी फ्रॉक्स लॉन्ग बहुत ज़्यादा शौक से पहनती हूँ। उनको मसला होता है किस तरह फोल्ड करें और बहुत छोटी छोटी फोल्डिंग करें। सो बहुत इजी तरीका है जी, उसको हाफ हम लेके आ जाएंगे जिस तरह से आप वीडियो में देखते जा रहे हो। अच्छा, ये जो फोल्डिंग का तरीका आप देख रहे हैं, सेम आप इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो कि जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं सो हमें बैग्स इतने हम चाहते हैं कि ना हों हमारे पास, लेकिन हमारे कपड़े ज़्यादा हों, तो ये फोल्डिंग को फॉलो करते हुए हम अपनी ट्रैवलिंग वाले बैग्स में भी अरेंज करके इजीली रख सकते हैं, जिसमें सामान ज़्यादा आएगा, हमारे ड्रेसेस ज़्यादा आएगा, लेकिन हमारी जगह जो है ना वो कम यूज़ होगी, सिर्फ एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। अच्छा जी, ये ड्रेस शर्ट है हस्बैंड्स की या बॉयज़ की, जिस तरह से वो उनका बड़ा इशू होता है कि किस तरह से फ़ोल्ड करके रखें। अगर सिंपल फ़ोल्ड करेंगे तो कभी बाजू टेढ़ा हो रहा है, तो कभी कॉलर टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ी सी इसकी टेक्निक है जिसको फॉलो करते हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मज़े से और इतनी नाइसली ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर आपकी कबर्ड में पड़ी होती हैं, एक तो आपको नज़र प्रॉपर आ रही होती हैं, प्लस उनकी ब्यूटी भी आ रही होती है कि जब आप कबर्ड खोलो तो आपको पता चलता है कि जी ये एक ज़बरदस्त एक सुकून महसूस होता है। आई थिंक ये मदर्स बहुत ज़्यादा जो हाउस वाइफ्स हैं रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से। अच्छा जी, अब हम ट्राउज़र भी इसी तरह से फोल्ड कर रहे हैं। ट्राउज़र की भी मैं आपको पिक्चर इस तरह से वीडियो दिखा रही हूँ कि बहुत ईजी तरीका है, प्रॉपर फोल्ड हो गया। अच्छा, ये फोल्डिंग वो भी है कि अगर आप इसको उठाएंगे ना, ये खुल नहीं जाएगी, ये गिरेगी नहीं कि एक टांग इसकी इधर से निकल रही है, एक टांग उधर से निकल रही है। बड़ी नाइसली फोल्ड होके पैक होके पड़ी होंगी चीज़ें। अच्छा जी, हुडी को अब हम कर लेते हैं फोल्ड। हुडी इस तरह से, क्योंकि हुडीज़ का कभी सर लटक रहा होता है तो कभी इस तरह से इसके जो स्ट्रिंग्स होती हैं हुडी वाली जगह पे वो निकल रही होती हैं, तो बुरा लगती है हमारी कबर्ड। इस तरह से हमने उसको फोल्ड कर दिया और पैक हो जाएगी और ये बिल्कुल बॉक्स टाइप बन जाएगा, हिलेगी भी नहीं, गिरेगी भी नहीं, गरीब बड़ी मज़ेदार से फिक्स हो जाएगी। नाउ वी आर फोल्डिंग जी स्वेट शर्ट्स, क्योंकि विंटर्स आपको पता है सर्दियों के क्लॉथ ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली समर्स के, क्योंकि समर्स में लॉन कॉटन के ड्रेसेस होते हैं, उसमें कोई जर्सियाँ नहीं होती, कोई स्वेटर्स नहीं होते, कोई हुडीज नहीं होती, सो वो सिंपल से क्लॉथ्स होते हैं। लेकिन हमें विंटर्स में स्पेशली ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को प्रॉपरली फोल्ड करके रखने की। सो होपफुली वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक भी दे दिया करें। अच्छा लगता है कि जी थोड़ी सी जो हम एफर्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो उसको लाइक हमें मिल जाए, तो आपने तो सिर्फ बटन ही दबाना है ना, हमें खुशी मिल जाएगी कि जी चलो जी किसी ने बटन दबा दिया और थोड़ा सा कमेंट कर दिया। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस तरह से ये स्टोरेज बैग्स में आप देखें इतने सारे कपड़े आ जाएंगे और आपकी कबर्ड में स्टोरेज बैग्स नहीं हैं, तो सिंपल बैग्स मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, एक मैंने रिसाइकल की थी चीज़ें, उस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बॉक्सेस जो हम शॉपिंग करके आते हैं उन बैग्स को यूज़ करते हुए किस तरह से ये कपड़े हम रख सकते हैं। आई होप जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में मुझे दे दीजिएगा और
लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कुछ भी नहीं जानना थोड़ा, सिर्फ अंगूठा प्रेस करना है जी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।